पैर क्या छाले चौड़ा चोर में भाई देख जो ये गात में लगे ना भाई ये लगने चाहे थे। देख मेरे हिसाब से तो लगने क्यों चाहे थे, पहली बात तो माँ बहन की गाली सबसे बड़ी बात, जो कि कतई भी किसी भी वह कहीं भी अप्रूवल है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात भाई जीवता यो मनोवर जीतता बिग बॉस का दूसरा सीजन, पता नहीं क्यों भाई को ऑटोमेटिक हेट बिना बात के लेना नहीं देना नहीं, बस हेट पे हेट, हेट पे हेट ऐसा सिस्टम बांध रखा था भाई। देखो मैटर ये है ना, मेरे को शौक है लड़ाई करने का, ना मेरे को हाथ उठाने का शौक है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं चलता हूँ नॉर्मल, और जो फोटो खिंचवाने को कहता है हम खिंचवाते हैं उसके साथ आराम से फोटो। पर जो कोई पीछे से कमेंट पास करता माँ बहन की गाड़ी देता, देखो उसको भी नहीं बख्शते। ऑल तो तुम्हें दिख रही होगी साथ में पुलिस भी है, कमांडो भी चल रहे हैं, कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई गलत सलत कर दिया, ये मेरा पर्सनल था, उसने मेरे को पर्सनली बोला, मैंने पर्सनली जाकर साड़े के दे दिया, और मुझे कोई उस बात का गम भी नहीं है कि भाई मुझे रिग्रेट हो, ऐसा ही हूँ मैं। मैंने ना उसको कुछ कही, उसने मेरे को गाली बकी तो उसने मैंने उसको दे दिया, मैं अपने स्टाइल में, वो मुँह से बोलता हम मुँह से नहीं बोल पाते भाई, ठीक है। तो भाई इब इस थप्पड़ लगने के बाद ना पता नहीं कितने तो आदमियों के कितने जोन से टटपूंजे थे छपरी थे जो बिना फालतू के बकचोदी ये वो फलाना रिगड़ा सारों के मुंह बंद हो गए भाई, ये गात में लगना ही जरूरी था। और सब दूसरी बात बताऊं तो मैं सबसे बड़ी अपने हरियाणा में नहीं जयपुर में जाकर लगे, समझ गए ना, इस तक कदिया नहीं बाद में नूबी तो जा अपने एरिया में था, अपने एरिया में सारे में जान पहचान हुए, मार दिए कोई बात नहीं, ये है वो है ऐसी ऐसी बात था 70 बात हुए तो अरे यो जयपुर टेक के, समझ रहे मेरी बात, यो सिस्टम है यो लिख लगे कमेंट पास करता माँ बहन की गाली। अरे माँ बहन की गाली भाई वो तो फिर भी सेलिब्रिटी बनना भाई, बाल आम आदमी भी नहीं सुनता बिना बात के, देख देख लो कोई किसी को वही टिक जाएगा गात में, थप्पड़ ही थप्पड़ लग जाए, समझ रहे मेरी बात। तो इसे जो आदमी गलत कहेगा ना हम देखेगा उसे भी कॉन्ट्रोवर्सी में, एक बार इसे गलत कहेगा तो देखा वही सभी सेलिब्रिटी एक बार नू कहता हाँ यो गलत करा, और फिर हम देखें क्या लपेटेगा उसे, ठीक है। बाकी जब लोग कुछ शुरू कर रहे हैं, जय श्री राम मेरे भाई साहब, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉक, राम राम मेरे भाई साहब, क्या हाल चाल हो रहे भाई, सब के बढ़िया भाई। ईच एंड एवरी वन इन इंसान मतलब ही, अगर एक आदमी आपसे दूसरे आदमी जुड़ रहा है ना तो उसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक साल या दो साल के बाद या कहीं ना कहीं सब कुछ मतलब है, तो वो जुड़ रहा आपसे, ठीक है। उसे सिर्फ अपना जो इन्वेस्ट करा हुआ उसने सिर्फ उस तक मतलब है, उसे उस तक कोई मतलब नहीं है कि भाई यो किकर या वो तेरी परेशानी में कभी खड़ा नहीं होने का, ठीक है। कहेगा ये तो कांड तन्ना आपको करा आपको सुलझा, मैं तो सिर्फ यहाँ तक का था और मैं तो क्रिक करता, ईच एंड एवरी वन समझ रहे, बहुत खतरनाक बात बताई है, इतनी आगे जाकर तो काम आओगी पर आओगी जरूर। बहुत बढ़िया, एक तो उसका पैकेट उड़ लिया था, अपर डलवाया लगता है, मैं ठक्को बड़े दिनों बाद खा रहे आज पता तुझे इस बात का, भेद है सारे स्नैप पे भेद है, वो बीमारी तो तेरे में भी स्नैप वाली ना, ना। ऐसा है इसे इसी को कर दे बंद, ठीक है इसी बंद कर दे, पहले इतनी ठंड हो रही तो और ठंड क्यों करवा है यहाँ सी है भाई, मंसूरी क्यों बनावा है तो मंसूरी में पीछे वो अभी तो चलाग रहा है सिक्योरिटी गार्ड एक्टिवा आ जाएगा आगे जाकर रोकूंगा कभी उसे बाग में कोई दाब ले है नी कभी बाग में कोई दाब ले सही बात है ना सारी ही सही बात है हमारी, गलत बात तो हम कहते ही नहीं,
बात का क्या कहना। आगे भाई अपना काम में। अरे डीपी गोली कहाँ गया, वो तो दिख भी नहीं रहा, दूर दूर तक भी कहाँ जा लिया वो। घर पहुंच लिया बिना मेरे फोन के, गेट था खुल जाएगा। क्या करा वो इतनी जल्दी घर जाके भी। चल मैं फोन कर दो अपने भैया, बड़ा बड़ा पड़ के सो गया अपना, ब्लॉग को कर रही है खत्म। और जय श्री राम मेरे भाई साहब।